ये ना पुराना सबका देखो यही खराब हो गया, इधर कितना ऑयल लीक हो रखा है। आ जाओ वहाँ से जाओ, मिट्टी के देख मिट्टी चल गई। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। तो गाइज आज चलना है स्कॉर्पियो में, मतलब पिछले सफर खराब हो गए थे तो कल हम लोगों को निकलना है तो मस्त न्यू ट्रिप पे। तो कल का ब्लॉग कल ही देखना, तो मस्त जगह जा रहे हैं हम लोग, मतलब एकदम सुकून वाली प्लेस पे। तो वाला ब्लॉग आप लोग कल ही देखेगा। बाय द वे अभी चलते हैं स्कॉर्पियो लेके, स्कॉर्पियो का पीछे का सफर खराब हो गए थे, मतलब जंपिंग काफ़ी ज़्यादा करीब बबलिंग कर रही है, तो न्यू सॉकर डलवाएंगे सर, क्योंकि एक लंबा टूर जाना है 750-800 किलोमीटर है करीब। तो चलते हैं पहले स्कॉर्पियो लेके बनवाने के लिए मस्त। तो गाइस निकालते हैं स्कॉर्पियो। गाइस निकलते हैं हम लोग स्कॉर्पियो के सॉकर। देखो गाड़ी बबलिंग कर रही है, ये देखो हिली पिचेस पूरी, ये देखो। तो बस यही चीज सही करानी है। तो गाइस गाड़ी में फ्यूल भी नहीं है, फ्यूल इंडिकेट करा था, उसमें डीजल फुल कराएंगे लेके अभी जी, थोड़ा सी दूर है पहुंचने वाले हैं और मौसम क्या ही मस्त हो गया है। Till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. 2000 का। तो गाइस पेट्रोल पंप पे तो पहुंच चुके हैं। तो गाइस पेट्रोल तो हो गया, सब 2000 रुपये का आया 22 लीटर। तो गाइस पेट्रोल तो हो गया और अभी निकलते हैं स्कॉर्पियो के पीछे के सॉकर चेंज कराने के लिए। गाइस दुकान देखो, ये सामने कितनी छोटी सी दुकान है, मतलब काम लेके सभी बड़ी गाड़ियों का होता है। देखो जैसे कि ये खड़ी है, ये एक सीवी खड़ी है, और वो देखो इनोवा खड़ी है बगल में, होंडा सिटी, और एक इनोवा बन रही है इनकी, और भाई साहब अपनी स्कॉर्पियो भी खड़ी है मस्त, इसके सॉकर चेंज होने पीछे वाले। हम खड़े सामने खड़े हैं, ज्यादा परेशान ना हो। अरे अरे हम यही खड़े हैं, हम डाल देंगे। तो ये देखो भाई जा रहा स्कॉर्पियो के अंदर, देखो भाई घुस गया स्कॉर्पियो के नीचे, बोलना है सॉकर लग रही। तो सॉकर निकला है स्कॉर्पियो का, ये चलते हैं लेने, चलते चलते छोटा हो गया, ये पूरा लीक करके तो ऑयल लगाइए, तो बस यही चेंज होने हैं दोनों। तो गाइस ये पावर विंडो भी खराब हो गया है, हाँ सोच ही नहीं है इस पर। गाइस चलते हैं अभी पैदल स्कॉर्पियो का सॉकर लेने, ये स्कॉर्पियो का सॉकर हाथ में आ गया है, तो मतलब ये चल चल के पूरा लीक हो गया था। जैसे हम लोग चलाते हैं जंप कराते हैं स्कॉर्पियो कहीं भी घुसा देते हैं, तो चक्कर में स्कॉर्पियो का सॉकर की हालत खराब हो गई। ये देखो ये शायद 10 किलो, कितने किलो होगा, 10 किलो का आराम से 10 किलो होगा। तो यही लेने चल रहे हैं, दोनों सॉकर पीछे खराब हैं तो दोनों चेंज हो गए, फिर मारेंगे लंबा टूर कल का 700 किलोमीटर, 750-800 करीब। तो ये मतलब कल का ब्लॉग बहुत मस्त होगा, अभी ढूंढ रहे हैं सॉकर कहाँ मिलेगा इसका। यही कहीं था, यही तो है महिंद्रा होटल यार, होटल में महिंद्रा है गाइस, देश के इंडियन सान। तो गाइस ये देखो पूरी कार स्पेयर पार्ट, मतलब सभी स्पेयर पार्ट मिल जाते हैं यहाँ पे, और बिल्कुल। तो फाइनली स्टोर मिल गई सॉकर की,
भैया स्कॉर्पियो का शॉकर दे दो। नंबर पता चला कुछ? तो पावर बटन भी मिल गया गाइस। पुराना छोटा लग रहा था। ठीक है भाई यार, ये तो बंदा काम कर रहा है, सब बदलवा लो। सारे तो ठीक तो है, चल रहा है, ये तो फ्री चल रहा है। पहले समझ लो पूरा मामला। शॉकर तो इनके स्टोर पे है नहीं, तो इनके एक दूसरे स्टोर है, मतलब स्टोर क्या बोलने, जैसे गैराज, मतलब यहाँ पे सामान रखा जाता, तो उन्होंने वहाँ कॉल की है, तो वहाँ से स्कॉर्पियो शॉकर आ रहे हैं, तो वेट कर रहे हैं अभी हम लोग। तो गाइस फाइनली स्कॉर्पियो के शॉकर मिल गए, ये देखो हाथ में शॉकर और खराब वाला संजय भैया ले रखे हैं। हनुमान जी का गधा बना रखा है ये स्कॉर्पियो का पुराना शॉकर जो लीक कर गया था। जय भैया, जय हनुमान। तो गाइस ये एक सॉकर शायद से 10 किलो का होगा, क्योंकि देखो एक हाथ में 20 किलो रोक रखा है, जिम करने का फायदा देखो। ऐसे जिम में मारते हैं एक हाथ से 30 से 35 किलो आराम से हो जाता है 12 रैप, और कभी कभी जैसे प्री वर्कआउट ले लो तो मतलब 25 से, हाँ 25 रैप चले जाते हैं आराम से, 25-26 प्यार से चले जाते हैं। तो भाई साहब बहुत हैवी है, और मौसम भाई पूरा साथ दे रहा है, मौसम में धूप निकली होती है तो मतलब ये ना उठा ना पाते, हालत ख़राब हो जाती गर्मी में ही। और अभी ये ले चल रहे हैं स्कॉर्पियो के पास, स्कॉर्पियो में फिट होगा ये तो हाथ दर्द होने लगा, रखे रखे मतलब बहुत हैवी स्कॉर्पियो शॉकर पीछे वाले, बहुत सॉफ्ट रोडिंग। तो गाइस हालत हो गई ख़राब, मतलब बहुत दूर, अप्रॉक्स 500 मीटर या 700 मीटर दूर तुम लोग चल के ला रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा हैवी है और ट्रैफिक इतना ज़्यादा है, क्राउड सबसे ज़्यादा क्राउड ख़राब हो रहा है, और भाई हालत ख़राब हो गई इसको आगे। तो एक साला एक 10 किलो का है, यही हालत ख़राब कर रहा है। तो गाइस फाइनली स्कॉर्पियो मिल गई, और स्कॉर्पियो यहाँ ओपन पड़ी थी, मतलब सब खुला हुआ पड़ा था। ये देखो मेन मार्केट, और ये देखो सॉकर, सॉकर देखो ले आए, ये न्यू सॉकर और ये पुराना दूसरा वाला। कहाँ पे? अरे हाँ ये गाड़ी पे क्या है, ये क्या है गाड़ी पे भाई, गाड़ी पे क्या लगा रखा है बाला रसूल भाई, गाड़ी एकदम सही लग रही है ना, ऑफ रोडिंग वाली जीप। वो भाई इतना कितनी गंदी हो रखी स्कॉर्पियो, लोग ये देखो तो वाइट में ना समझ नहीं आ रहा, ये देखो पास लेके आया तो समझ में आ रहा है, और ये देखो व्हील भाई ना पूरे ब्लैक थे, अभी ना 10 एकड़ में ऐसी हो गई है भाई, मौसम ख़राब हो रहा है। हेलो बांधो के भाई सॉकर, और ये देखो क्या मस्त लग रही है इसके, इसी के पीछे रसूल लगा, एकदम सही सेक्सी लग रही है ऑफ रोडिंग में, एकदम मस्त कुनाते रहो कहीं भी। ये है न्यू सॉकर भाई, कितना गर्व है, ये देखो अब इसको दबा रहा है तो अपने आप धोने दब रहा है, ये देखो कैसे चला गया, दबा दबा दिया तो जाओ। ये देखो सॉकर के साथ छेड़छाड़ी हो रही, पुराने सॉकर के साथ भाई, इतना घुस कहाँ जा रहा था, बात तो ठीक है भाई, इतनी दीदी तो लंबाई सी कितनी है, घुस कहाँ जा रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो अरे कहाँ चला गया गरी तो ये ना पुराना होता तो यही खराब हो गया, इधर कितना ऑयल लीक हो रखा है, आ जाओ वहाँ से दो मिट्टी के देख, मिट्टी चला गई मिट्टी में ऑयल की है, देखो ये लगा घसीटा जरा न्यू वाला, वो का घसीटा घसीटा दबा उसको, तब एक काटती है सामने दबी नहीं रही धरो गाड़ी ना तेरी, और ये ना ग्राउंड क्लियर ज्यादा आ जाएगा इसका, बढ़ जाएगी ना, हां न्यू सॉकर जैसे। देखो भाई लग अंदर चला गया अपना वर्क करने के लिए, न्यू सॉकर फिट करने के लिए भाई, चाबी मेरी दुकान इस, फाइनली दोनों सॉकर न्यू हो गए, और ये देखो आया नहीं है, ग्राउंड क्लियरेंस बढ़ गया, ये देखो गैप कितना गैप हो गया मस्त, अभी बबल नहीं करेगी, अब जैसे वो 100 चलाओ 150 चलाओ तो उछल जाती थी, ये जरा दो चीप अब नहीं होगा, क्यों चलो यही भी अच्छा हुआ क्यों समझे भैया, मैटी साफ कर दी। तो गाइस अभी न्यू वाला जो मतलब लेके आए थे पावर विंडो, वो इंस्टॉल तो हो गया लेकिन वर्क नहीं कर रहा गाइस, देखा मतलब ये शीशा ऊपर नीचे चला नहीं रहा है, तो अभी भाई गया है मतलब बोला मोटर ख़राब हो गई है इसकी, डोर में मोटर होती तो डोर की मोटर लेने गया अभी वो, ये देखो भाई सही कर रहा है, मतलब ये देखो वर्क होने लगा कायदे का,
है भाई, क्या बता गए। ओए भाई, ए भाई कौन सी क्लास में हो, पढ़ाई करते हो क्या? पढ़ाई करते हो? नहीं। बहुत बड़ा मैकेनिक भाई अपना यार, तुम पढ़ाई बता रहे हो उसको? सही है, ये फैमिली लोड होता है। पाप पाप नंबर नहीं। अरे भाई 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 क्या कर दियो, चले कोई नहीं, सांस छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई पानी के लिए। गाइस ये देखो भाई साहब कितना ग्राउंड गेन बढ़ गया, ये देखो मस्त हो गए ना, उड़ी गए। ये देखो भाई साहब एकदम न्यू पड़े ना, तो एकदम सही फन चल रही। और जो फाइनली डोर का काम था वो भी कंप्लीट हो गया, ये काम तो हो गया कंप्लीट। गाइस फाइनली गाड़ी का जो वर्क था कंप्लीट हो गया, न्यू सॉकर लग गए और डोर जैसे वाइब्रेट कर रहे थे, आवाज कर रहे थे, मतलब गाड़ी जैसे दौची पे जाती है तो ना एक एक्स्ट्रा साउंड आ रहा था, तो वो भी खत्म हो गया। और अभी गाड़ी एकदम मस्त चल रही, जो पीछे जो बबलिंग थी जैसे अभी मैंने मोड़ी थी 30 की स्पीड में एकदम से, तो ना गाड़ी ना पीछे उठ के स्लिप कर जाती, स्किड कर जाती थी, तो वो चीज़ अभी खत्म हो गई। मतलब न्यू सॉकर पड़े और ग्राउंड क्लियरेंस भी बढ़ गया और जो दौचियाँ थी वो भी कम लग रही हैं। और अभी चलते हैं इसका मेन काम कराने, जो मुझे म्यूजिक सिस्टम से डलवाना था JBL का, मतलब नेक्स्ट लेवल साउंड चाहिए था ना। अभी इसका ना महिंद्रा कपड़ा ओरिजिनल, आवाज़ तो ठीक है बट बेस ना क्लियर नहीं आता है, तो हम लोग चल रहे हैं अभी JBL का इसमें म्यूजिक सिस्टम लगाने के लिए। जैसे अभी म्यूजिक सिस्टम की दुकान नहीं मिले तो संजय भैया एक लाउ दुकान है तो वहाँ पे जा रहे हैं पूछने के लिए, कंफर्म करने के लिए कि भाई है कि नहीं। तो देखो कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार, पता नहीं म्यूजिक सिस्टम वाले की दुकान का नाम था बंगाली। और भाई साहब मौसम देखो कितना ही प्यारा हो गया, ये देखो बारिश भी होने लगी, देखो सीसे भी कुछ बूंदे आ रही होंगी, क्या है नहीं यहाँ सामने। चलो विनोद इलेक्ट्रॉनिक्स आगे है। अच्छा विनोद, ये है स्टोर म्यूजिक सिस्टम वाला विनोद इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी संजय पे जा रहे हैं JBL का साउंड पूछने के लिए। तो गाइस यहाँ पे तो JBL का सिस्टम मतलब रिस्क्यू मिला नहीं, तो अभी निकलते हैं, घर पे लेट भी हो रहे थे तो चलते हैं सीधा घर पे। अब ये बच्चे आने वाले होंगे तो उनको कोचिंग में पढ़ाना है हम लोगों को, अभी मतलब हम लोगों को क्या मेरे को, तो चलते हैं घर पे। भाई साहब ये क्या आ रहा सामने से, कैसे मोटिफाइड ट्रक है क्या ये देखो संजय भैया? नहीं ये ट्रक क्या है भाई, एक नंबर ट्रक है। बहुत सही भाई बहुत सही। No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. तो गाइस घर पे आ चुके हैं, मतलब गाड़ी बन चुकी है, एकदम मस्त बनी है, सॉकर वॉकर एकदम सब सही हो गए हैं। तो कल का ट्रिप बनेगा लंबा 700-800 किलोमीटर का अप्रोक्स, तो 3 दिन की जर्नी है, मस्त मजा आ जाएगा कल पे। और अभी घर पे आ गए हैं और चलते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए अंदर। अभी आ चुके हैं हम लोग घर के अंदर और बच्चे आ गए हैं तो पढ़ा रहे हैं सभी, मतलब इन सबके ना पेपर चल रहे हैं। फाइनली इन लोगों को ना जो पेपर होता है तो उनको वही याद कराना पड़ता है, पूरा याद करा दो तो फिर पेपर दे आते हैं, मास्ट पेपर करके आते हैं। अभी एक स्टूडेंट कम है मेरी चारू, वो भी आएगी, मतलब दो ना टाइम से पहले आ जाते हैं, आधे घंटे पहले से आ जाते हैं, फिर मैं उनको ना पढ़ाता हूँ, याद करने दे देता हूँ, तो वो टाइम में वेस्ट नहीं होता है। और चारू हमेशा टाइम से लेट आती है, सब ठीक है, पढ़ने में अच्छी है सब। तो अच्छे देखो गाइस सभी हैं। अरे नैन्सी क्या कर रही हो, और बिट्टी पेपर कैसा गया, बढ़िया? और अनमोल क्या याद कर रहा हो, याद कर सुन रहे हैं ठीक। और डोडो कहाँ फीस कब आएगी, डोडो यहाँ फ्री पढ़ते हो, फीस कब देंगे आके बताओ, 3 महीने से पढ़ा रहा है यहाँ लेट लेट के, बोलो छोड़ो पापा फीस कब देंगे, कब फीस देंगे तुम्हारे पापा? बिट्टी मन से पढ़ा याद करो ठीक। सुनो कॉपी पीछे पलटे ना, चुपचाप काम करो, मतलब पढ़ लिखो पूरा, देखो क्लास 5th में है, पढ़े नहीं याद कर पाता कायदे के, इतने डोडो याद हो गए हैं देख देख के। तो गाइस मिलते हैं आप लोगों को इन सबको कोचिंग पढ़ाने के बाद। तो गाइस टाइम हो गया है 7:45, तो अभी लोगों को कोचिंग पढ़ा चुके हैं, तो अभी इन लोगों को जाने से घर पे, और कल का मस्त प्लान है, एक मस्त टूर है, चलो जाओ तुम लोग, चलो बैग पैक करो। सुनो अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छा पेपर करना ठीक है, पर आने वाले आए नहीं है ठीक है, पढ़ा याद करके आना, पढ़ा याद करके आना। अरे क्या हो गया,
तुमको बहुत मजा आ गई, तुमको बहुत मजा आ गई है, बहुत मजा आ गई। ये कर रही हो है? ये किसने बनाया? ये किसने बनाया? तो चलो निकलो, बाय बाय। सभी आ गए अपने रूम में और बच्चे चले गए सभी घर, और ये ब्लॉग एंड करते हैं यहीं पे, क्योंकि सुबह रेडी होना है 4 बजे। पहले एंगल को लेके चलेंगे एक जगह पे, मतलब उनकी ना दवा चल रही है तो वहीं पे चलेंगे, और वो डॉक्टर साहब को बाहर जाना होता है, तो हम लोग फैमिली डॉक्टर है तो सिर्फ 7 बजे तक मिलते हैं, वरना वो अपने हॉस्पिटल है वहाँ पर चले जाते हैं। तो चलेंगे जल्दी से 4 बजे से, मतलब 5 तो वहाँ पहुँच जाएंगे, 5:30 तो उनको दिखा देंगे, दवा ले लेंगे, फिर वापस आएंगे हम लोग, फिर चलेंगे वहाँ पे जहाँ जाना है हम लोग को, 700-800 किलोमीटर तक दूर। तो आप लोग ब्लॉग में देखिएगा। तो वैसे आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही, और ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।